कैसे हुआ मान्यता के? देखिए, गणेश चतुर्थी को जो स्वरूप गणेश जी का स्थापित किया जाता है उसी का विसर्जन होता है। आपके घर में यदि पूर्व अगर दीपावली में आप गणेश लक्ष्मी लाए हैं तो उन गणेश जी का विसर्जन नहीं होगा। गणेश जी की पूजा का यह प्रचलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ। कथा यह भी है कि लोकमान्य तिलक ने भी इस परंपरा का निर्वहन किया, शुरुआत किया था। और विसर्जन के पीछे का तथ्य यह है कि हम गणेश जी की 7 दिन 9 दिन 11 दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो उपासना करते हैं और उस उपासना के दौरान नाना प्रकार की व्याधियों को हरण करने का, क्योंकि विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो विसर्जन के साथ साथ हमारी उन सारी व्याधियों को भगवान अपने साथ साथ नष्ट करके हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। यही इसकी कथा है और यही इसके पीछे का रहस्य है। अच्छा, विसर्जन क्यों किया जाता है? विसर्जन बताने की, जैसे नवरात्रि में आप भगवती की स्थापना करते हैं, 9 दिन उपासना करते हैं, 9 दिन के बाद वो सारे संकटों को हरते हुए अपने में समाहित कर लेती हैं। विसर्जन गणेश जी की प्रतिमा का होता है, गणेश जी का नहीं होता है। मिट्टी से वह बनी प्रतिमा जल में प्रवाहित हो जाती है। उसी के साथ साथ जिन श्रद्धालु भक्तों ने अपनी आधी व्याधि समस्या भगवान के सामने रखी, ज्यों ज्यों वह प्रतिमा जल में समाहित होती रहती है, त्यों त्यों भक्तों के कष्ट भी दूर होते रहते हैं।